अब ऐसा लगता है कि इंडियन स्मार्टफोन भी 5G की लाइन में जाने वाले हैं, क्योंकि लावा ने अपना लावा अग्नि 5G फोन लॉन्च करने वाले हैं, जो कि मतलब बहुत सारी डिटेल्स इसकी बाहर आ चुकी हैं, रफ स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आ चुकी हैं। और ये कैसे आई है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि कल के दिन अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग थी। उस टेस्टिंग के कुछ समय बाद ही लावा के YouTube चैनल पर ये स्ट्रीम हुआ था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और ये स्ट्रीम से पता चलता है कि लावा का एक फ़ोन आने वाला है, जिसका नाम उन्होंने रखा है लावा अग्नि 5G। मतलब इसका साफ कहना है कि इनका एक 5G फ़ोन आने वाला है। तो इस फ़ोन के बारे में आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आने वाली है, और कैसा ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीतू, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पे कर दीजिए, ताकि आपको सारे टैग रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन रहने वाला है, जहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, और बैक साइड में आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा होगा मस्त स्क्रीन आपको दिखाने को मिल जाती है। और बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और नीचे ही आपको लावा 5G की एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। और हाँ, इसमें आपको बता दूँ कि आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है, 3.5mm जैक भी देखने को मिलने वाला है, और मतलब सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई थी। जितनी डिटेल्स आई थी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये जो डिस्प्ले हो आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और हाँ, इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको स्मूथनेस भी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट तो आपको देखने को मिलता ही है। और अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, प्रोसेसर में आपको MediaTek Dimensity 810 देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। अगर हम बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे में आपको बैक साइड में 64 का क्वाड कैमरा देखने को मिलने वाला है। अभी और कौन से सेटअप होने वाले हैं अभी तो पता नहीं है, लेकिन आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है बैक साइड में, और इसका जो मेन कैमरा होगा वो 64 का आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट में आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बढ़िया बात है, मतलब बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इसमें आपको USB टाइप सी भी देखने को मिलेगा, और एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, और स्टॉक एंड्रॉयड आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इससे पता चलता है कि आप इस फ़ोन में बढ़िया गेमिंग भी कर सकते हैं। और इतनी ही स्पेसिफिकेशंस अभी बाहर आई थी, और जैसे ही स्पेसिफिकेशंस बाहर आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और इसकी जो प्राइस है वो प्राइस आपको देखने मिलती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसकी जो प्राइस है वो 20,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है, आसपास के आपको 20,000 ही देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से है ना, ये कुछ ज़्यादा ही प्राइस है इस फ़ोन के हिसाब से। और मेरे हिसाब से जो इसकी जो प्राइस है वो होनी चाहिए थी लगभग 16,000 से 17,000 के बीच में आपको इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से वो टाइम पे ये फ़ोन बढ़िया हो सकता था। और ये जो फ़ोन है वो आपको रियलमी 8i से कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि उसमें भी कुछ सेम स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती हैं। तो अभी देखने वाली बात ये है कि इसकी प्राइस कैसे रहेगी, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये जो प्राइस है वो रफ प्राइस रखी गई है। इसमें वो डिस्काउंट विस्काउंट लगाएंगे तो आपको 17,000 तक देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात है, जब लॉन्च होगा, जब हमें पता चल जाएगी सारी चीज़ें। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सारी चीज़ें कर देना। और मुझसे बात अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आने वाले सारे फोन्स के बारे में आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं फोन्स से रिलेटेड या फिर टेक से रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।